ना इतनी ज़्यादा तेज अभी जल की धारा हो रहा है, देख रहे थोड़ा थोड़ा टच भी कर रहा है जल, जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। इतनी भयानक जल की तेज गति आज देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं लोगों की भारी संख्या हर की पैड़ी की ओर प्रवेश कर रही है। रास्ते तो बंद है, जितने भी लोग आ रहे हैं सब पैदल आ रहे हैं। यहाँ पे लॉकर है, आप अपने सामान रख के आराम से यहाँ पे पूरे दिन घूम सकते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रमुख जल की धारा है, ये वाला पोर्शन, ये वाली जो पिलर है वो डूबने का कगार पे है। और ये हम बस पहुंच चुके हैं प्रमुख घाट पे, ये हम आ चुके हैं हरकी पैड़ी में। और जल की धारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ देख रहे हैं, जल की धारा गति देख रहे हैं, हवा बिल्कुल भी नहीं के बराबर चल रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर ब्रिजों में भी पूरे लोग खड़े हुए हैं, इधर स्नान कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग, पूरी तरह से घाट फूल है। चाहे आप ब्रह्मकुंड के पास की बात कहें या फिर दूसरे किनारों की बात कहें, हर एक घाट आपको फूल नज़र आएगा। आज की बड़े स्नान नहीं है, ऐसा स्नान आपको डेली देखने को मिलेगा। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे, अभी आप माँ गंगा के लाइव दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं जल की धारा, हर की पैड़ी, ये प्रमुख घाट है जहाँ पे आप स्नान करते हैं और जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु डेली आके स्नान करते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। चाहे आप इस किनारे की बात कहें जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम बना हुआ है वहाँ पे भीड़ की बात कहें, या फिर हर की पैड़ी का दूसरा किनारा की बात कहें, या फिर हर की पैड़ी की बात कहें, सारे घाट हाउसफुल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है संजय सेतु, जहाँ पे लोगों की संख्या खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पे दूसरा एक पुल है, देख रहे हैं, पहले हम आपको पुल का दृश्य दिखाते हैं। ये है धनु सेतु और ये है शिव सेतु, तो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, पूरे घाट फूल है। चाहे हमने अभी सामने का दृश्य दिखाया, अभी आप नई घाट का दृश्य देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब हम आपको जल की धारा जो कि तेज है वो हम आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं कितनी भयानक तेज गति है जल की। और इधर श्रद्धालुओं की संख्या स्नान कर रही है। अब हम चल रहे हैं ऊपर संजय सेतु पे, पहले हम आपको मार्केट का दृश्य दिखा देते हैं, फिर घाटों का दृश्य दिखाएंगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो रूम की एडवांस बुकिंग आप हो सके तो करवा लीजिएगा, नहीं तो हर की पैड़ी के पास आपको रूम मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तो भीड़ आप देख ही रहे हैं, जब भीड़ ज़्यादा होता है और अधिकतर श्रद्धालु हर की पैड़ी के पास ही रूम लेना पसंद करते हैं, इसके वजह से प्राइस भी बढ़ जाता है और रूम भी नहीं मिल पाता। देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये है नई घाट, ये दूसरा किनारा और प्रमुख जल की धारा देख रहे हैं, काफ़ी तेज है। और ये जो हर की पैड़ी से जो आ रही उसकी गति आप देख रहे हैं, ये प्रमुख नई घाट है जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। काफी तेज धूप है जिसकी वजह से देख रहे हैं कुछ लोग छाता भी लिए हुए हैं। अपने सामान को उचित स्थान पर रख दें। ये देख रहे हैं पूरे घाट फूल है, जल की गति आप देख रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं मार्केट का दृश्य। इधर से हम नई घाट की ओर जा सकते हैं। अभी जो घाटों पे श्रद्धालु आपने देखा और अभी आप रास्ते पे देख रहे हैं,
ये है यहाँ का जूता स्टॉल जो कि निशुल्क है। मार्केट का रास्ता जो ई रिक्शा आने का वो बंद कर दिया गया है, पैदल तो आप आ सकते हैं। और ये है ब्रह्मकुंड जाने का मार्ग, थोड़ा हम जूम करते हैं। आपने देखा घाटों पे और मार्ग में अब हम इस तरह का दृश्य दिखाते हैं। ये मोती बाजार जाने का मार्ग है और ये अपर रोड से आने का मार्ग है। रास्ते तो बंद है, जितने भी लोग आ रहे हैं सब पैदल आ रहे हैं। और ये वाला है भीमगोड़ा की ओर जाने का मार्ग। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप केवल घाटों का दृश्य देखे थे, अब आप मार्केट का दृश्य देख रहे हैं। चारों ओर का दृश्य देख के आपको क्या लग रहा है ये आप कमेंट करें। जैसे ही आप घाट से बाहर निकलेंगे तो आपको होटल धर्मशाला मिल जाएगा। देख रहे हैं पूरे हाउसफुल है ये सारे होटल धर्मशाला। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो एक ये पैडा रिक्शा वाला आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मनसा देवी तक छोड़ेंगे और हरकी पैड़ी लेके, हरकी पैड़ी से अगर लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन तो बहुत महंगे पैसे बताएंगे। 20 रुपये किराया है लेकिन वो बताएंगे 60 रुपये 70 रुपये। और एक ई रिक्शे वाला यहाँ पे है, ये लेके नहीं जाएंगे, मनसा देवी तक ही ड्रॉप करेंगे ये, क्योंकि अगर एक बार बाहर निकल गए तो फिर अंदर नहीं आ पाएंगे। दो ही रिक्शा दिखा हमें और नहीं है, इतनी भारी भयंकर वाली जाम है। यहाँ पे लॉकर है, आप अपनी सामान रख के आराम से यहाँ पे पूरे दिन घूम सकते हैं। यहाँ से अगर मनसा देवी पैदल जाएंगे, मार्ग हरकी पैड़ी से माता 2 किलोमीटर है, 832 सीढ़ी है, आराम से आप पैदल चल सकते हैं अगर आप चलने में सक्षम है तो, नहीं तो रोपे से जाइएगा। रोपे 129 रुपये किराया है, आराम से आप मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। भीड़ वहां पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 से 3 घंटा कम से कम लगेगा, 2 से 3 घंटे कम से कम लगेगा दर्शन करने के लिए। सामान आप ले सकते हैं, बाइक रेंट एक्टिवा नंबर आपको दिख गया होगा, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। खाने की थाली यहाँ पे 80 रुपये से स्टार्ट है। नंबर है यहाँ पे हरकी पैड़ी के पास उमेश लॉज, तो आप इसमें फ़ोन करके अपना बुकिंग भी करा सकते हैं। देख रहे हैं भारी संख्या में लोग आ रहे हैं हरकी पैड़ी में, जो घाटों पे स्नान कर रहे हैं वो अलग है और जो हरकी पैड़ी की ओर जा रहे हैं वो अलग दृश्य देख रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे।